ठंडी रोटी। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है। फिर वह चुप रहा। एक दिन माँ ने किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई, जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना, रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा ले। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया। माँ तो कहती ही थी, ये भी कहना सीख गई है। वह अपने स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसी हुई, रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। यह बोली कि ये तो आपकी माँ ही जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई है। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा, क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू रोज कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और ये मैं सह लेता था, अब ये भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसी है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी को शाम को ठंडी होती है। ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गर्म ताजी रोटी तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊँगा और गर्म रोटी खाऊँगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। अगर ये ताकत ना हो तो विवाह नहीं।